नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एचएसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हरियाणा जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 12 सेकंड का समय भी दिया जाएगा, ताकि आप अपना आंसर अच्छे से नोट कर लें, जैसे पहले का ए, दूसरे का बी या फिर तीसरे का सी। और दोस्तों, इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको हरियाणा में पहला टॉपिक कराते हैं, प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो दोस्तों, किस जिले में हुई थी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, किस ग्रंथ में मिलता है? नकुल दिग्विजय ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हरियाणा का करनाल शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। और दोस्तों, इस करनाल शहर का नाम राजा कर्ण के नाम से ही पड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा युद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अग्रोहा स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। और दोस्तों, वो 7 स्वर कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ये काले चमकीले चित्रित मृदभांड वैदिक काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, किस जिले में खोदा गया था? निम्नलिखित में से हिसार जिले में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा निम्न में से बनवाली। तो दोस्तों, यह बनवाली मिसप्रिंट हुआ है, इधर आएगा बनावली। हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा इसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एहुल अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में सीसवाल राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुरु की राजधानी जो वर्तमान हरियाणा में है, 16 महाजन पदों में से कौन सा एक था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा इंद्रप्रस्थ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? तो कौन सा था दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का अग्रोहा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो दोस्तों इसका भी आंसर यही आएगा, अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा, इसी से महाराजा अग्रसेन का संबंध था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था दोस्तों, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में थानेश्वर स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर हर्षवर्धन प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर नामक नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है? तो दोस्तों किस स्थान को बताया है, थानेश्वर नामक स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, किस स्थान पर हुआ था, त्रावड़ी स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रावड़ी त्राइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्राइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था और 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई थी, जहां पर उनका गुंबद है। वर्तमान में वह जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था और वह वर्तमान में कौन सा जिला है दोस्तों, जहां पर उनकी हत्या की थी, वह कैथल जिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा, सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास सन 1265 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, फतेहाबाद नगर फतेह खान के द्वारा बसाया गया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा फतेह खान तुगलक ने निम्न में से इसार जिले की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोवाणा क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोवाणा क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के इन सभी शहरों पर आक्रमण किया था, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, पानीपत की पहली लड़ाई में सन 1526 में बाबर के विरुद्ध इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राजा एमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य एमू के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर और एमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, सन 1556 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र एमू था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, करनाल का युद्ध सन 1739 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठी शासकों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी। तो दोस्तों पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी हुई थी 1761 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को बारानी कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।